बहुत समय पहले की बात है, सूरजपुर नामक गांव में रानी अपनी माँ पार्वती के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। रानी के पिता की कुछ समय पहले एक दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी थी, जिसकी वजह से पार्वती सिलाई करके अपनी बेटी का पालन पोषण कर रही थी। रानी अभी 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी। रानी पढ़ाई में बहुत समझदार थी, हमेशा स्कूल में फर्स्ट आया करती थी। पूरे स्कूल में रानी का बहुत नाम था। एक दिन अचानक पार्वती को बुखार आ जाता है, फिर भी पार्वती सिलाई कर रही थी। तभी रानी अपनी माँ पार्वती से कहती है, माँ तुम्हारा शरीर तो बुखार के मारे बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, माँ तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता आज आपको सिलाई करनी चाहिए, अगर आपको कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा? नहीं बेटा, हम गरीब की किस्मत में आराम कहाँ लिखा है। अगर मैं आराम करूँगी तो कपड़े नहीं सिल पाऊँगी, जो कपड़े सिलाई करके पैसे मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे, फिर मैं तुम्हारे स्कूल की फीस कहाँ से दूँगी और हम क्या खाएंगे बेटा? कपड़े सिलाई करके ही तो हमारे घर का गुजारा चल रहा है। आपकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब है, मुझसे आपकी हालत देखी नहीं जा रही। मैं आपको रोज कपड़े सिलते हुए देखती हूँ, मुझे सिलाई करना आता है, इसलिए आप आराम कीजिए और मैं सिलाई करती हूँ। नहीं बेटा, तुम्हारी 10वीं की परीक्षा होने वाली है तो तुम उसकी तैयारियाँ करो। मैं नहीं चाहती कि इस बार तुम्हारा रिजल्ट खराब आए। तुम्हारे स्कूल में बहुत नाम है और सिलाई करने की वजह से तुम स्कूल में टॉपर नहीं बन पाओगी। ठीक है बेटा, तुम रहने दो। माँ अभी 10वीं की परीक्षा होने में बहुत समय है, आप चिंता ना करो, मैं पढ़ाई भी कर लूँगी और साथ में सिलाई भी। अब मेरी प्यारी माँ दवाई खाकर आप आराम कीजिए, ठीक है? जरूर, पिछले जन्म में मैंने कुछ अच्छे कर्म ही किए होंगे जो मुझे इतनी अच्छी बेटी मिली है। बेटा जब तुम पैदा हुई थी ना, तो तुम्हारी दादी ने मुझे बहुत सुनाया था, लेकिन आज मुझे तुम पर गर्व है कि मुझे तुम जैसी बेटी मिली जो अपनी बीमार माँ का इतना ख्याल करती है। रानी बेटा, ठकुराइन का फ्रॉक सिलना है, क्या तुम फ्रॉक बना पाओगी? माँ कोशिश करती हूँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। रानी अपनी माँ को दवाई खिलाकर सुला देती है और खुद सिलाई करने बैठ जाती है। रानी बहुत मेहनत करती है, बहुत कोशिश करती है फ्रॉक तैयार करने में, और रानी इस कोशिश में कामयाब हो जाती है। रानी बहुत सुंदर फ्रॉक बनाती है। अगले दिन ठकुराइन अपना फ्रॉक लेने आ जाती है और फ्रॉक को देखकर कहती है, अरे वाह रानी, तुम्हारी माँ ने तो बहुत ज्यादा सुंदर फ्रॉक तैयार किया है। मैंने तो ऐसा फ्रॉक बस अच्छे बुटीक पर ही देखा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पार्वती इतना अच्छा फ्रॉक तैयार कर सकती है। वाकई में बहुत ज्यादा सुंदर है। अरे नहीं नहीं ठकुराइन, ये फ्रॉक मैंने नहीं बल्कि मेरी प्यारी बिटिया रानी ने बनाया है। वाकई में रानी, तुम सिर्फ पढ़ाई में होशियार नहीं, सिलाई में भी बहुत होशियार हो। ठकुराइन अपने फ्रॉक के पैसे देकर अपना फ्रॉक ले जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रानी के सिले हुए लहंगे के बारे में पूरे गांव में चर्चा होने लगती है। अब किसी की शादी हो चाहे एंगेजमेंट, सब अपने फ्रॉक रानी से ही सिलवाते थे। रानी दिन में स्कूल जाया करती थी और रात में फ्रॉक तैयार करती थी। पार्वती का बुखार पार्वती का पीछा नहीं छोड़ता। अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया गया। तभी एक दिन पार्वती अपनी बेटी से कहती है, रानी बेटा, दिन में पढ़ाई करती हो, रात में फ्रॉक रेडी करती हो, और जो अभी पैसे तुम कमाती हो सब मेरे दवाई में खर्च कर देती हो। मुझे तुमने गांव के अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन मेरा बुखार फिर भी पीछा नहीं छोड़ रहा। लगता है मेरा समय आ गया। कृपया करके माँ ऐसी बातें मत करो, आपको पता है आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने आपको गांव के सबसे अच्छे डॉक्टर को दिखाया है, लेकिन मैं आपको शहर लेकर जाऊंगी और वहां के सबसे अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगी। चाहे मुझे इसके लिए अपनी पढ़ाई क्यों ना छोड़नी पड़ जाए, लेकिन मैं दिन रात मेहनत करूंगी और शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगी। आप चिंता मत करो माँ, आप जल्दी ही ठीक हो जाओगी। नहीं बेटा, शहर लेकर जाओ चाहे विदेश लेकर जाओ, अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी। मेरा समय आ गया है, अपना अच्छे से ध्यान रखना। मुझे तुम पर बहुत भरोसा है, तुमने मेरी बहुत सेवा की मेरी बच्ची। इतना कहते ही पार्वती की मृत्यु हो जाती है। ये सब देखकर रानी फूट फूट कर बहुत रोती है। माँ
पहले पिताजी चले गए हमें छोड़ के, अब आप चली गई, आप दोनों इस तरह मुझे छोड़कर चले गए, अब आप दोनों के बिना क्या करूंगी मैं। माँ मुझे आपकी बहुत याद आएगी, आपकी लोरियाँ, आपके हाथ का मजेदार खाना। माँ आप मुझे छोड़कर इतनी जल्दी क्यों चली गई माँ। ऐसा कहकर रानी बहुत रोती है और उसके बाद अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर देती है। रानी के माँ के जाने के बाद रानी बिल्कुल उदास हो जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। इन दिनों रानी ने सिलाई नहीं की थी और उसके पास जो भी कुछ पैसे थे उसने अपनी माँ के इलाज कराने में खर्च कर दिए थे। अब उसके पास एक भी रुपया नहीं था। रानी स्कूल जाती है तो उसे पता चलता है 10वीं की परीक्षा देने के लिए पहले उसकी फीस जमा करनी होगी, तभी वो परीक्षा दे पाएगी। देखो रानी, तुम्हारी माँ का जाने का दुख हम सभी को भी है, लेकिन किसी के चले जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती। तुम इतने दिनों से स्कूल भी नहीं आई और तुम हमारे स्कूल की सबसे अच्छे स्टूडेंट हो, इसलिए हम तुम्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति तो दे देंगे, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें अपनी फीस जमा करनी होगी। जी जी प्रिंसिपल, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन कुछ दिन का मुझे समय तो दीजिए, मैं फीस जमा कर दूंगी। ऐसा कहकर रानी स्कूल से वापस आ जाती है। रानी घर आकर सोचती है, हमारे गांव में ना तो किसी की शादी हो रही है और ना ही कोई पार्टी, मुझसे कोई फ्रॉक क्यों बनवाएगा। लगता है मैं इस बार 10वीं की परीक्षा नहीं दे पाऊंगी और घर में राशन भी बहुत कम बचा है। मैं अपना गुजारा कैसे करूंगी, माँ के जाने के बाद मेरे ऊपर कैसी मुसीबत आ गई है। रानी ऐसा सोच ही रही थी तभी पास के गांव की एक धनवान लड़की खुशबू रानी के पास आती है और उसे कहती है, मैंने तुम्हारे फ्रॉक के बारे में बहुत कुछ सुना है, तुम बहुत अच्छे फ्रॉक तैयार करती हो। मेरी 4 दिन बाद शादी है, मुझे मेरी शादी के लिए एक सुंदर सा फ्रॉक चाहिए, क्या तुम सिल दोगी। और पैसों की चिंता बिल्कुल मत करना, अगर मुझे लहंगा पसंद आया तो तुम्हें अच्छे पैसे मिल सकते हैं। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए खुशबू जी, मैं आपका फ्रॉक बहुत अच्छा तैयार करूंगी, लेकिन फ्रॉक बनाने के लिए मुझे कुछ पैसे एडवांस चाहिए, क्योंकि मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है, मेरे खाने पीने के लिए भी नहीं है। खुशबू रानी को एडवांस पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद रानी फ्रॉक तैयार करने में लग जाती है। रानी पढ़ाई करने के साथ साथ फ्रॉक भी तैयार करती है और कुछ ही दिनों में बहुत सुंदर फ्रॉक तैयार हो जाता है। ये सोचकर जब फ्रॉक के पैसे मिलेंगे तब वो अपनी कक्षा की 10वीं की परीक्षा के लिए फीस जमा कर देगी। रानी बहुत खुश थी, लेकिन अचानक एक बहुत बड़ा हादसा होता है। रानी किसी काम से बाहर चली गई थी तभी उसकी छोटी सी झोपड़ी में आग लग जाती है। रानी आकर देखती है उसकी झोपड़ी में जो खुशबू का फ्रॉक था वो भी जल चुका था। ये क्या अनर्थ हो गया, घर में खुशबू की शादी का फ्रॉक रखा था वो भी जल गया। खुशबू की कल शादी है, मैं उसका फ्रॉक कैसे तैयार करूंगी, उसने मुझे अपना फ्रॉक बनाने के लिए एडवांस भी दिए थे, अब मैं क्या करूंगी। ऐसा कहकर रानी बहुत रोती है तभी खुशबू अपनी शादी का फ्रॉक लेने आ जाती है। रानी खुशबू को सब सच बताती है, कैसे उसकी झोपड़ी में आग लगने से उसकी शादी का फ्रॉक जल गया, लेकिन खुशबू उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती और उससे कहती है, रानी तुम्हें अच्छे से याद होगा तुमने मुझसे पूरे 20,000 रुपए एडवांस लिए थे, मुझे अच्छी तरह पता है तुमने अपनी झोपड़ी में खुद आग लगाई ताकि तुम उसे झूठ बोल सको कि मेरा फ्रॉक उसमें जल गया, क्योंकि तुम तो जंगल से लकड़ी लाकर दोबारा से झोपड़ी बना लोगी, लेकिन 20,000 कहाँ से लेकर आती, क्योंकि तुम्हारे पास 1 भी रुपया नहीं था। 20,000 देख कर तुम्हारे अंदर लालच आ गया, अब मैं तुमसे 20,000 के बदले 20 लाख लूंगी, या तो मुझे फ्रॉक दो या फिर मुझे 20 लाख, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी, तुम जानती नहीं कि मैं किसकी बेटी हूँ। खुशबू की धमकी सुनकर रानी घबरा जाती है। रानी बहुत परेशान होती है कि वो खुशबू का फ्रॉक उसे कैसे भी करके ला कर दे, अगर फ्रॉक नहीं दिया तो 20 लाख कहाँ से ला कर देगी, उसके पास तो अपनी स्कूल फीस जमा करने की भी पैसे नहीं है। रानी एक रास्ते से गुजर रही थी तभी उसे एक रास्ता दिखाई देता है, उसे देखकर रानी कहती है, मैं रोज इस रास्ते से गुजरती हूँ लेकिन कभी मैंने ये रास्ता नहीं देखा, एक बार जाकर देखती हूँ कि ये रास्ता कहाँ जाता है। रानी उस रास्ते पर चलने के लिए जैसे ही कदम रखती है तभी सीढ़ियाँ बन जाती है। रानी सीढ़ियों पर चलती रहती है और वो बादलों में पहुँच जाती है।
जहाँ जाकर रानी देखती है जादुई दो फ्रॉक का घर। ये सब देखकर रानी बहुत हैरान हो जाती है। तभी रानी को जादुई दोनों फ्रॉक घर से आवाज आती है। रानी, तुम बिल्कुल सही रास्ते पर आई हो। मैं जादुई फ्रॉक का घर हूँ। अगर तुम मेरे अंदर प्रवेश करोगी तो तुम्हें बहुत सारे धन दौलत मिलेंगे, लेकिन तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए यहीं रहना होगा। रानी, मेरे अंदर प्रवेश करने से सिर्फ उतना ही मिलेगा जितने तुम्हें जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन तुम उसे अपने साथ लेकर जा सकती हो। रानी पहले तो बहुत सोचती है, लेकिन उसके बाद दोनों जादुई फ्रॉक के घर से कहती है, मुझे ज्यादा धन दौलत नहीं चाहिए। मेरी माँ ने मुझे हमेशा यही सिखाया है कि इंसान को हमेशा मेहनत करती रहनी चाहिए, कभी लालच नहीं करना चाहिए। इसलिए मुझे जितनी जरूरत है मुझे सिर्फ उतने ही पैसे चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। इसलिए मैं जादुई दूसरे फ्रॉक के घर में जाना चाहती हूँ। रानी के इतना कहते ही पहले वाला जादुई फ्रॉक का घर गायब हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ एक धोखा था। रानी जादुई दूसरे फ्रॉक के घर के अंदर जैसे ही जाती है तो उसे बहुत सारे सुंदर सुंदर लहंगे, हीरे मोती और सोना और बहुत सारे पैसे मिलते हैं, जिन्हें देखकर रानी कहती है, जादुई दूसरे फ्रॉक के घर, आपने तो कहा था कि इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ तो इतना सब कुछ है। रानी, मुझे पता है तुम बहुत ही ज्यादा परेशान हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए वो मायावी रास्ता बनाया जिसकी मदद से तुम यहाँ तक पहुँची। मैं तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि कहीं तुम लालची लड़की तो नहीं हो, लेकिन तुम मेरी परीक्षा में पास हो गई। तुम इतनी परेशान थी फिर भी तुमने धन दौलत नहीं चुने, इसलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम मेरी परीक्षा में पास हो चुकी हो, इसलिए तुम यहाँ से जो कुछ भी लेकर जाना चाहती हो जा सकती हो। रानी जादुई फ्रॉक के घर की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वहाँ से बहुत सुंदर सुंदर फ्रॉक और बहुत सारे धन दौलत लेकर आती है। रानी आने के बाद खुशबू के पास जाती है और उसे फ्रॉक देती है और उसे कहती है, खुशबू, ये तुम्हारा फ्रॉक। और हाँ, मैंने अपने घर में खुद आग नहीं लगाई थी। चंद रुपयों के लिए मैं अपने माता पिता की आखिरी निशानी को कभी नहीं जलाती। मेरे माता पिता की यादें थी, लेकिन शायद तुम नहीं समझोगी क्योंकि तुम्हारे माता पिता हैं। ये दर्द सिर्फ वही समझ सकता है जिसके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं। ऐसा कहकर रानी वहाँ से आ जाती है और अपने स्कूल की फीस भी जमा कर देती है और 10वीं कक्षा की परीक्षा में बैठ जाती है। इस बार भी रानी अपने स्कूल में फर्स्ट आती है। रानी अपना एक बुटीक खोलती है और पढ़ाई के साथ साथ बुटीक चलाती है। इसी तरह खुशी खुशी अपना जीवन बिताती है। बहुत समय पहले की बात है, रामगढ़ नामक गांव में दो बहनें अपने माता पिता के साथ रहती थी। एक बहन का नाम था पिंकी और दूसरी बहन का नाम था सपना। दोनों बहनें एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। पिंकी बहुत सुंदर थी और वो नदी में मछलियां पकड़ने जाया करती थी, और वहीं दूसरी तरफ सपना एक लालची और बहुत ही घमंडी लड़की थी। सपना हमेशा पिंकी को परेशान किया करती थी। पिंकी नदी से मछलियां पकड़कर उन्हें बाजार में बेचा करती थी। पिंकी के गांव से केवल एक ही बस बाजार की ओर जाया करती थी और उस बस के जाने का टाइम था 4 बजे का। एक दिन दोनों बहनें गांव में मेले में घूमने जाती है। मेले में तरह तरह की झूले लगे हुए थे, कई सारे खेल भी थे, जिसमें से एक खेल में पिंकी एक बहुत सुंदर सी ड्रेस जीत जाती है। और ये सब देखकर सपना को बहुत जलन होती है और सपना रात होने का इंतजार करती है। और रात होते ही सपना पिंकी के कमरे में जाती है और उसकी जीती हुई ड्रेस को आग लगा देती है और जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। देखते ही देखते पूरे कमरे में आग फैलने लगती है और पूरे कमरे में धुआं धुआं हो जाता है, जिस वजह से पिंकी की आँख खुल जाती है और पिंकी उठती है और घबराती हुई कहती है, अरे नहीं, ये मेरे कमरे में आग कैसे लगी और अब मैं आग से बचकर बाहर कैसे निकलूं? बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे कोई तो बचाओ। किसी तरह से पिंकी आग से बचकर अपने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसके कपड़ों में आग लग जाती है, जिस वजह से पिंकी का चेहरा जल जाता है और उसके चेहरे पर जले के निशान आ जाते हैं। ये सब देखकर सपना बहुत खुश होती है। पिंकी का चेहरा जलने की वजह से लोग उसे नापसंद करने लगे और सभी उससे दूर रहने लगे। अब कोई भी पिंकी से बात भी नहीं करता था। पिंकी के गांव में एक चुड़ैल रहती थी जो कि परियों को कैद किया करती थी। एक दिन चुड़ैल जंगल में घूम रही होती है
कि तभी उस चुड़ैल को बहुत जोर से प्यास लगती है। चुड़ैल आगे जाती है तो उसे एक नदी दिखाई देती है। उसके पास जाकर वो बैठ जाती है। चुड़ैल नदी के किनारे बैठकर अपने आजू बाजू देखने लगती है। उसके बाद वो अपना थैला साइड में रख देती है और नदी का पानी लेकर उसे पीने लगती है। तभी एक मछली उस चुड़ैल का थैला निगल लेती है और नदी के अंदर चली जाती है। इससे पहले कि चुड़ैल उस मछली को पकड़ पाती, वो मछली नदी के काफी अंदर चली गई थी और चुड़ैल की पहुंच से काफी दूर। तभी चुड़ैल गुस्से से बोलती है, अरे अरे, इस मछली ने तो मेरा थैला ही निकल लिया, अब मैं क्या करूं? चुड़ैल अपने थैले को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन थैला ना मिलने के बाद वो हार मान लेती है और वहाँ से उड़कर वापस चली जाती है। अगले दिन नदी के पास पिंकी मछली पकड़ने के लिए आती है और गलती से वही मछली पिंकी के कांटे में फंस जाती है, जिस मछली ने चुड़ैल का थैला निगला था। पिंकी उस मछली को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। मछली बहुत ही बड़ी और मोटी थी। पिंकी खुश होती हुई कहती है, अरे वाह, ये मछली तो बहुत ही मोटी और बड़ी है, इसे बेचकर तो मुझे बहुत पैसे मिल जाएंगे। लेकिन उस दिन लेट होने के कारण पिंकी बस नहीं पकड़ पाती और वो बाजार नहीं जा पाती। पिंकी को बस पकड़ने में काफी देरी हो जाती है और बस निकल जाती है। पिंकी उदास हो जाती है, अरे बस तो निकल गई, अब मैं क्या करूं? फिर पिंकी वो मछली लेकर पैदल ही अपने घर चली जाती है। पिंकी के पास खाना खरीदने के लिए कुछ पैसे नहीं थे। उसके बाद पिंकी उस मछली को काट कर उसे बनाने लगती है। पिंकी जैसे ही उस मछली को काटती है, उसे उस मछली के पेट में एक थैला दिखाई देता है और पिंकी हैरान हो जाती है। अरे ये क्या, मछली के पेट के अंदर इतना बड़ा थैला, ये कहाँ से आ गया? उसके बाद पिंकी थैले को खोलकर देखने लगती है। पिंकी उसमें हाथ डालकर सब बाहर निकालती है। पिंकी को उस थैले के अंदर 3 नेल पॉलिश मिलती है। पिंकी नेल पॉलिश को देखकर बहुत खुश होती है और खुश होती हुई कहती है, अरे वाह, ये नेल पॉलिश तो बहुत ही सुंदर है। पिंकी एक एक करके तीनों नेल पॉलिश के ढक्कन खोल लेती है। जैसे ही पिंकी नेल पॉलिश के ढक्कन खोलती है, उसमें से 3 सुंदर सुंदर परियां बाहर निकलती है, जिसमें से एक परी का नाम होता है नील परी, दूसरी परी का नाम होता है सोन परी और तीसरी परी का नाम होता है सुप्रिया परी। तभी नील परी बोलती है, हमें आजाद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लड़की, इस नेल पॉलिश की डिब्बी में हम बहुत दिनों से कैद थे। उसके बाद सोन परी बोलती है, एक चुड़ैल ने हमें इस डिब्बी में कैद करके रखा हुआ था, लेकिन अब ये डिब्बी तुम्हारे पास है तो इसलिए आज से आप हमारी मालकिन है। हम तीनों परियां यहाँ केवल आपके लिए काम करेंगे और आपकी बात मानेंगे। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तो चलो सबसे पहले हमें अपनी मालकिन को खूबसूरत बनाना चाहिए। उसके बाद वो तीनों परियां मिलकर पिंकी का मेकअप करने लगती है और उसे नए कपड़े पहनाती है और देखते ही देखते पिंकी सर से लेकर पांव तक बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। अपने आप को आईने में देखकर पिंकी बहुत ज्यादा खुश होती है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर पिंकी की बहन सपना भी आ जाती है। पिंकी की खूबसूरती को देखकर उसे बहुत जलन होती है। सपना को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और वो पिंकी से पूछ लेती है, अरे पिंकी, तू इतनी जल्दी इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? क्या राज है, मुझे भी तो बताओ। इसके बाद पिंकी तीनों परियों के बारे में सपना को बताती है। सारी बात सुनने के बाद सपना कहती है, अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, अब तुम तीनों परियां मिलकर मुझे भी जल्दी से खूबसूरत बना दो। तभी नील परी बोलती है, नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि पिंकी हमारी मालकिन है और हम केवल उन्हीं का कहना मान सकते हैं। परी की ये बात सुनकर सपना बहुत गुस्से में आ जाती है और वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है और सपना वो तीनों नेल पॉलिश की डिब्बी उठाकर वहाँ से भागने लगती है। तभी नेल परी उदास होती है और बोलती है, अरे नहीं नहीं, इसे रोक लो, वरना हम तीनों उसके गुलाम हो जाएंगे। तभी पिंकी भी सपना के पीछे भागने लगती है, लेकिन सपना बहुत तेजी से भाग रही होती है कि तभी सामने से ट्रक आता है और सपना को टक्कर मार देता है। सपना का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। तभी वहाँ पर पिंकी भी आ जाती है और वो तीनों नेल पॉलिश की डिब्बी उठा लेती है। उसके बाद पिंकी सपना को उठाकर हॉस्पिटल ले जाती है और फिर डॉक्टर सपना को देखकर कहते हैं, माफ कीजिए,
मगर ये जिंदगी में कभी भी अपने पाँव पर चल नहीं सकेंगी, क्योंकि एक्सीडेंट बहुत बड़ा था और सपना के हाथ पाँव में बहुत ज्यादा चोट आई है। सपना का पूरी तरह से सही होना नामुमकिन है। ये सारी बात सुनकर पिंकी बहुत दुखी हो जाती है और सपना वहीं बेड पर लेटी हुई होती है। वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसकी बहन पिंकी कहती है, क्यों देख लिया ना सपना, लालच करने का नतीजा क्या होता है। मुझे आज बहुत शर्म आ रही है कि तुम मेरी बहन हो। तभी सपना रोती हुई कहती है, मुझे नहीं करना चाहिए था लालच, मुझे माफ कर दो मेरी बहन, मैं बहुत बुरी हूँ। अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। सपना को खुद की गलती का एहसास होते हुए देखकर पिंकी को उस पर दया आ जाती है और वो तीनों परियों से कहती है, परी जी, मेरी बहन को उसकी गलती का एहसास हो गया है, कृपया करके उसकी मदद कीजिए और उसका पांव सही कर दीजिए। तीनों परियां मान जाती है और अपनी जादुई छड़ी से सपना का पांव पहले की तरह सही कर देती है। सपना अब पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अब वो बहुत ज्यादा खुश थी। ये सब देखकर पिंकी भी बहुत खुश हो जाती है। सपना अपनी गलती की माफ़ी भी मांगती है और वो पूरी तरह से सुधर जाती है। और उस दिन के बाद से वो दोनों बहनें जादुई तीन नेल पॉलिश के साथ हंसी खुशी से एक साथ मिलकर रहने लगती है।